हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रैंड फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो बांग्लादेश बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान ओमान का जो सेकंड T20 होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए ताकि टॉस के बाद जो टीम होता है तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दें ताकि आपको टॉस के बाद टीम मिले। तो पहले टेलीग्राम पर जाइए, फिर सर्च करिए @DreamElevenG। उसके बाद हमारा लोगो देखा, हमारा सब्सक्राइबर ही आप देख सकते हैं, 4000 के आसपास सब्सक्राइबर है, देख के आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो के नीचे हम लिंक डाल देंगे, लिंक के थ्रू भी आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों अभी हम ड्रीम इलेवन पे चलते हैं और डिस्कस शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट करने में इजी हो जाए। तो दोस्तों पहले ड्रीम इलेवन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम ड्रीम इलेवन पे आ चुके हैं। तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा और टाइम भी बहुत कम है, नहीं तो हमारा जो जैसे मैच का क्या रिजल्ट होता है, हारते हैं जीतते सब दिखाते हैं, लेकिन अभी टाइम कम है। तो दोस्तों हम वीडियो शॉर्टकट में बनाएंगे और हमारा काम भी है, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर हम आप लोगों को कैसा क्या हो मतलब रिजल्ट विजल्ट दिखा देंगे, क्योंकि लॉस भी होता है, जीतते भी तब भी दिखाते हैं, लॉस मतलब हारते हैं तब भी जीते हैं दिखाते हैं आप लोगों को, और जीते हैं तब भी दिखाते हैं, क्योंकि ये फैंटेसी का पार्ट मतलब फैंटेसी गेम का पार्ट है। विन और लूज ये तो होता रहता है, क्योंकि क्रिकेट खेल में आपको कोई 100% हम जीत नहीं सकते, हर मैच नहीं जीत सकते, लेकिन हाँ हमारा जो एक्सपीरियंस है, क्रिकेट का नॉलेज है, वो यूज करके हम अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, विकेट कीपर में आप एस नवाज को ही ट्राई करना, नेगर सुल्तान को ट्राई कर सकते, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल दूँ, पाकिस्तान का कम से कम 4 में फेवर करना, 2 में मतलब जो बांग्लादेश का टीम है उसको फेवर करना, क्योंकि देख बांग्लादेश का फेवर में जो जो किस किस को लेना है मैं आपको वो बोल दूंगा, और पाकिस्तान का जो इसमें फेवर करना तो उसको किस किस को लेना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो वो मैं बोल दूंगा। तो आपको देखिए विकेट कीपर में, देखिए पाकिस्तान का जो सिद्धा नवाज है, ये आपको बैटिंग में तो 16 रन किया था, लेकिन इसने स्टैम्प करके कैच पकड़ के इतना संबंध बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दिया, तो उसको ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है। लेकिन नेगर सुल्तना भी अच्छा खासा बैट्समैन है, लेकिन मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब बांग्लादेश का विकेट ज़्यादा गिरने का चांस है, क्योंकि बांग्लादेश से थोड़ा अच्छा पाकिस्तान का टीम है, तो उसे के देखते हुए आप पाकिस्तान का ज़्यादा प्लेयर सिलेक्ट करना और बांग्लादेश का ऐसे 4-5 प्लेयर सिलेक्ट करना तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ये जो शमीमा सुल्ताना है ना, ये बहुत बढ़िया बैट्समैन है, ये हार्ड हिटर बैट्समैन है, आप इसको जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करना, ये बहुत बढ़िया बैट्समैन है, आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है। हमने इसका ओल्ड जो रिकॉर्ड है उसको हमने देखा, ये बहुत अच्छा हार्ड हिटिंग करता है, पिछले मैच में गलत तरीके से आउट हो गया था, और किसी ने अगर वीडियो देखा उसको मालूम होगा ये गलत तरीके से आउट हो गया, नहीं तो अगर ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। तो दोस्तों अब इन तीनों में से मैं ग्रैंड लीग में आपको बोलूँगा शमीमा को ट्राई करना, और स्मॉल लीग में नवाज को ट्राई करना, और सुल्ताना को भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा नवाज और शमीमा से एक को पिक करना, आपके लिए अच्छा, लेकिन स्मॉल लीग में नवाज, ग्रैंड लीग में शमीमा बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और बैट्समैन में बिस्मा महरूफ जो एक दो बार बॉलिंग करता है और पाकिस्तान का कैप्टन है, आप इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है और कैप्टन वाइस कैप्टन मार सकते हो। और यहाँ पर संजीदा इस्लाम जो ये बांग्लादेश का मेन बैट्समैन में से एक है, आप स्मॉल लीग में तो थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई करो। फरगान हक को आप स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन होगा और ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर आप इराम जावेद जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएगा, तो आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्की होगा लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई करना जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने है। और उमायमा सोहेल जो 2 डाउन बैटिंग करने आएगा, आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, और इसका जो मतलब खेलने का अटैकिंग बैट्समैन है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, आपको मतलब लेकिन क्या है, ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो, ग्रैंड लीग में किसी भी प्लेयर को आप ड्रॉप करने में कभी भी मतलब बेझिझक ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ये फैंटेसी गेम में आपको हर बंदा हर मैच में पॉइंट नहीं दे सकता, किसी भी मैच में फ्लॉप जा सकते हैं, तो उसी को देखते हुए आप उमायमा सोहेल को भी मतलब किसी भी प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो, मैं सोहेल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आपको जिसको भी ड्रॉप करना है थोड़ा सा मतलब उसको नेक्स्ट टीम में जरूर पिक करना है, जिसको ड्रॉप करेंगे नेक्स्ट टीम में उसको पिक करना तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। देखिए उमायमा सोहेल को आप ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो, स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन है। लता मुंडल जो बॉलिंग कर रहा है ना, बैटिंग के सेक्शन में डाला हुआ है, लेकिन बॉलिंग भी कर रहा है और ऑलराउंडर भी है, अच्छा खासा ऑलराउंडर में, आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्क होगा। और इनमें से अगर कोई खेलता है तो इनमें से मैं आपको बोल दूँ, एक ही प्लेयर है शरमीन सुल्ताना, ये अगर खेलता है तो इसको ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए ग्रैंड लीग जिताने का प्लेयर साबित हो सकता है अगर खेलता है तो, फिर नहीं तो ऐसा कोई मतलब अच्छा खासा प्लेयर नहीं। एक और प्लेयर है, ए सिद्रा अमीन पाकिस्तान का, जो ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, ये 100 लगा चुका है, तो आप इसको ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में दोनों में ट्राई करना, जस्ट 6% लोगों ने इसको सिलेक्ट करके, ये बहुत बढ़िया प्लेयर है। और यहाँ पर है नाहिदा खान, अगर खेलते हैं तो इसको जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करना, लेकिन इन लोग जो उसका जो मतलब यंग प्लेयर है उन लोगों को ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, तो आप उसी को मतलब शायद नहीं खिलाएगा नाहिदा खान को, लेकिन ये सिद्रा अमीन खेलेगा, सिद्रा अमीन को जरूर आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना, ये बहुत बढ़िया बैट्समैन है।
और यहाँ पर ऑलराउंडर में जावेरिया खान, इसको तो बॉलिंग नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी ऑलराउंडर में डाला हुआ है, लेकिन ओपन करने आएगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो आप इसको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, और कैप्टन भी बना सकते हो ग्रैंड लीग में। और रुमाना अहमद स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में सिर्फ ऑप्शन, मतलब इस जो टीम जो मैच चल रहा है इनमें से सबसे बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है रुमाना अहमद। और आप इसको आप बिस्मा महरूप से ऊपर भी है, आप देख सकते हो बिस्मा महरूप से ऊपर है, क्योंकि इसका बैटिंग स्टाइल है और पूरा मतलब ये फुल ऑलराउंडर है, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा खासा परफॉर्म देगा। बिस्मा महरूप कभी बॉल करते कभी नहीं करते, तो लेकिन रुमाना अहमद आपको बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा। और ये मतलब बांग्लादेश का ऐसा कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है जो मतलब आपको मतलब रुमाना अहमद को ड्रॉप करना आपको बहुत गलती हो सकता है, क्योंकि ये मतलब सेफ ऑप्शन है। आप स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना, आपको अगर लगे बहुत फ्लॉप जा सकते हैं तो एक टीम में जस्ट ड्रॉप करना, नहीं तो आपको बैकफायर बहुत ज़्यादा हो सकता है। आलिया रियाज ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और पूरा 4 ओवर बॉलिंग करेगा, तो आप इसको ग्रैंड लीग में तो जरूर ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा लेकिन ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और जहानर आलम पिछले मैच में तीन चार विकेट लिया था, तो मैं क्या बोला आपको, ये अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करते तभी इसको ट्राई करना, नहीं तो इसको देखिए बहुत पर्सन लोगों ने कैप्टन करके रखा है, तो आप इसको जरूर ग्रैंड लीग में तो ड्रॉप कर ही ना, तो मतलब कम से कम तीन चार टीम में ग्रैंड लीग में इसको ड्रॉप करना, एक दो टीम में ले जिसमें भी लेंगे उसमें कैप्टन बना के छोड़ देना, नहीं तो क्या है ये जो पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो विकेट इसको लेने का ज़्यादा चांस है, अगर सेकंड बैटिंग करेगा तो एक फ्लॉप जा सकते हैं। तो उसी के देखते हुए आप अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो कम से कम दो तीन टीम में, लेकिन अगर पाकिस्तान फास्ट में अगर बैटिंग करता है तो कम से कम दो तीन टीम में ट्राई करना, लेकिन ड्रॉप करना ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये किसी मैच में फ्लॉप जाता है तो जिस मैच में फ्लॉप जाता है पूरी तरीके से फ्लॉप जाता है। कायनात इम्तियाज ये भी अच्छा खासा ऑलराउंडर है और बॉलिंग भी पूरा करेगा, आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर रितु मुनी खेलते तो इसको ट्राई करना, ये बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, ये भी अच्छा खासा ऑलराउंडर है, आपको ग्रैंड लीग। और यहाँ पर फाहिमा खातून ये भी बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, अगर खेलते हैं बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, अगर खेलता है तो फिर ये आपको स्पिन बॉलर है, आपको ग्रैंड लीग। लेकिन पीस थोड़ा सा मतलब इक्वल हो रहा है, मतलब बैट्समैन बॉलर दोनों को ही सपोर्ट कर रहा है, तो उसी के हिसाब से आप टीम बनाएंगे। फास्ट बॉलर को भी मदद हो रहा है, जैसे अभी वो श्रीलंका पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो क्या हो रहा था फास्ट में जो बैटिंग कर रहा है मतलब टॉस जीत कर जो बैटिंग उसका अच्छा खासा परफॉर्म, लेकिन अभी दिन में मैच है तो इसी के हिसाब से अब ड्यू का कोई चक्कर नहीं है, तो उसी के हिसाब से अब स्पिनर को भी मदद हो रहा है थोड़ा सा, और फास्ट बॉलर को मतलब आप अगर रुक के खेलेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सलमा खातून जो कैप्टन है बांग्लादेश टीम का, तो ये पिछले मैच में डेथ ओवर में बॉलिंग किया लेकिन रन तो बहुत पड़ा, तब भी ये पूरा ओवर बॉलिंग, आपको एक खास बात है कि रन इसको जितना भी पड़े ये बॉल पूरा ओवर करेगा, मतलब कम से कम 3-4 ओवर तो करेगा ही, तो ये उसका कैप्टन है। और इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, और लास्ट ओवर पिछले मैच में लास्ट ओवर में बॉलिंग किया तो उसी के देखते हुए अगर फिर से लास्ट ओवर में बॉलिंग किया तो आपको ये एक दो विकेट अगर लास्ट ओवर में चटका दिया तो आपके लिए अच्छा खासा साबित हो सकता है, इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और यहाँ पर अना ममिन जो स्पिन बॉलर है, आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी ट्राई करना, लेकिन ग्रैंड लीग में एक दो टीम में ड्रॉप कर सकते हो, बहुत लोगों ने इसको सिलेक्ट करके रखा है। पांडा घोष जो फास्ट बॉलर है, आप इसको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो लेकिन ड्रॉप भी कर सकते हो। खदीजा तुलकुबरा जो स्पिन बॉलर है, बहुत अच्छा स्पिन बॉलर है लेकिन पिछले मैच तो परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन इसको ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बॉलर है, आपको ग्रैंड लीग जीता सकता है, कैप्टन भी मारा सकते हो, इसमें इनमें कैपेबिलिटी है कि 3-4 विकेट चटका सकते हो, आप कैप्टन भी मारा सकते हो। डायना बैग जो फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के लिए, आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी सेफ ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर सादिया इकबाल है जो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में। दोस्तों ये हमने जो बोला ए प्लेयर के, आप वीडियो 2-3 बार देख के आप ए प्लेयर को नोट कर सकते हो, आप उसी के हिसाब से ट्राई करना, देखना आपको अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। और हमने जो बोला कौन सा प्लेयर को कैसे ट्राई कर सकते हो दोस्तों, और अगर आपको जो बोल रहा था कि अगर बांग्लादेश जीतेगा तो बांग्लादेश जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जैसे सलमा खातून है, खदीजा तुलकुबरा है, और बॉलर में पन्ना घोष और जहानर आलम में से एक ट्राई करना, और रुमाना अहमद है, और यहाँ पर फरगाना हॉक है, और संजीदा इस्लाम है, और यहाँ पर सभी, यही चार आपको 5-6 प्लेयर दिखेगा, अगर आपको लगता है बांग्लादेश जीतेगा तो 5-6 उसका प्लेयर दिखेगा, यही आपको प्लेयर ग्रैंड लीग आपको जीता सकता है जो बांग्लादेश अगर जीतेगा तो उसी 5-6 प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग में कम से कम 6 प्लेयर बांग्लादेश का लेना पड़ेगा, 6 प्लेयर आपके लिए काफ़ी हो सकता है ग्रैंड लीग, मतलब ग्रैंड लीग जीतने के लिए जो ग्रैंड लीग का टीम रहेगा उसमें 6 प्लेयर काफ़ी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का अच्छा खासा प्लेयर है, तो मतलब वैसे ही कैसे बोलो टीम मैच जो क्या होगा, मतलब कंपटीशन भरा मैच होगा, तो क्या कम से कम 5-6 में 4-7 में नहीं जाएगा टीम, तो 5-7 में ही जाएगा, तो उसी के देखते हुए आप इसे। और पाकिस्तान का जो जीतेगा तो पाकिस्तान का आपको मालूम है इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसे जो है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से टीम बनाएंगे तो आप इजीली ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। और इनमें से आपको
बांग्लादेश हारेगा ना, तो बांग्लादेश कम से कम एक दो जो इंपॉर्टेंट बांग्लादेश का प्लेयर रहेगा उसको आप ड्रॉप करना, जरूर ड्रॉप करना, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों अभी अभी डिस्कस खत्म करते हैं, लेकिन हम जैसे आप लोगों को हर वीडियो पे बोलते रहते हैं कि आप फ्रॉड लोग मतलब जो फ्रॉड लोग हैं उन लोगों से बच कर रहिए, ये फैंटासी गेम है, क्रिकेट का खेल है, आपको कोई भी बंदा आपको 100% नहीं जीता सकता है। अगर किसी को क्रिकेट का नॉलेज है, ड्रीम इलेवन का नॉलेज है, वो बंदा आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि 100% जीताएगा। जिसको भी नॉलेज नहीं है वही बंदा आपको बोलेगा 100% जीताएगा। अगर नॉलेज है तो कोई भी बंदा आपको 100% नहीं जीता सकता, मतलब नहीं भी बोले, मतलब जिसका नॉलेज है वो तो कभी आपको बोलेगा ही नहीं। तो उन लोगों से, फ्रॉड लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये फैंटासी क्रिकेट का खेल है, फैंटासी गेम है, कोई आपको थोड़ी 100% नहीं 100% जीता सकता है। तो ये थोड़ा सा आपका दिमाग में मतलब घुसा लेना चाहिए और थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी आप मतलब वही फ्रॉड लोगों से बच के मतलब बच सकते हैं, नहीं तो आपको वो पैसा आपका बहुत डूबा सकता है। तो उसी के देखते हुए आप उन लोगों से बच के रहना। लेकिन आपके आपके पास अगर टाइम है, आपके आपके पास टाइम है, रिसर्च करने के टाइम है, आपके पास मतलब पूरा एनालिसिस करने का टाइम है, तो आप खुद ही कर सकते हैं, आपका सिक्स सेंस खुद यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारा काम आपको अच्छा लगे तो फिर आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारा प्राइम चैनल है, हमारा प्राइम का थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन है, हमारा आपके ड्रीम इलेवन पे कम से कम 1000 बैलेंस होना चाहिए हमारा मंथ, और आपको पॉजिटिव पर्सनलिटी हो तो अभी आप हमारा मंथली प्राइम ले सकते हैं, और अगर नेगेटिव पर्सनलिटी तो हमसे आप ज्वाइन नहीं हो सकते और हम आपको ऐड नहीं करेंगे। और दोस्तों जो बोला आपको उन लोगों से बच के रहिए, क्योंकि क्रिकेट का खेल है, आपको कोई 100% नहीं जीता सकता है। तो दोस्तों पूरा हमारा जो फ्री चैनल का लिंक है हम वीडियो के नीचे डाल देंगे, उसके थ्रू आप हमारा चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारा मंथली प्राइम का पूरा डिटेल्स भी हम वीडियो के नीचे डाल देंगे, उसके थ्रू आप हमारा उसका आपका डाउट क्लियर करके हमसे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों अभी वीडियो खत्म करते हैं, अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।